श्रीकोल चुनाव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाओं को किया गिरफ्तार पुलिस द्वारा। मंदसौर के श्रीकोल चौराहे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन देने जा रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पर, उससे पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता एवं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रूपल संचेती ने मीडिया से चर्चा करते हुए गुरुवार को 2:45 पर बताया कि लगातार मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं एवं पशुपतिनाथ की शिवना नदी दिन बर दिन गंदी होती जा रही है, उसी को लेकर आज हम लोग मिलना चाह रहे थे पर पुलिस ने उससे पहले ही हम सभी को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर एवं शिवना का दूषित पानी लेकर हम लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलना चाह रहे थे पर पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता नेता एवं पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई है। मंदसौर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने कहा कि कुछ लोग एकत्रित हो रहे थे जिनको गाड़ी में बिठाकर महिला थाने पहुंचाया गया है। हम शिवराज सिंह जी चौहान को महिला अत्याचार के खिलाफ, शिवना शुद्धिकरण के खिलाफ और मंदसौर में सभी मुद्दों के खिलाफ आवेदन उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को आगे करके शिवराज सिंह चौहान ने हमें गिरफ्तार कर दिया। पुलिस को आगे करता है, मुख्यमंत्री करता है, पुलिस को आगे करता है। देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से माँ शिवना का जो प्रदूषित जल है वो लेके जा रहे थे और मुख्यमंत्री को इतना डर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। राहुल गांधी जी ने सही कहा था, शिवराज सिंह चौहान सुन लो, कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है और आपको इसका जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। आप मां शिवना मैया को प्रदूषण से मुक्त कर नहीं पा रहे हो, उल्टा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और तुमको अगर हो थोड़ा भी तुम्हारे अंदर सम्मान, मान सम्मान, आत्मसम्मान बचा हो तो मां शिवना मैया के शुद्धिकरण का कार्यक्रम जारी कीजिए और महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं लगातार 7 की बच्चियों के साथ, बालिकाओं के साथ, पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है बलात्कार में, महिला अत्याचार में। आप नाकाम साबित हो गए, आपको गद्दी छोड़ देना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद। हाँ, अभी कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, उनको इकट्ठा करके गाड़ी में भरकर भेजा गया महिला थाना, आगे कार्रवाई की जाएगी।